दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। एमएस क्रिको तंत्र पर आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में रिंकू सिंह ने दिखाया अपना IPL वाला रौद्र रूप। फिनिशर की तरह आखिरी ओवरों में आयरलैंड के गेंदबाजों की जमकर धुलाई की और कर दी चौके छक्के की बरसात। रिंकू सिंह ने ऐसे ऐसे शॉट लगाए जो आयरिश गेंदबाजों को आज नींद नहीं आने वाली है। तो सभी के जुबान पर बस यही है कि बोलो रिंकू द फिनिशर मैन। तो वही रिंकू के साथ दुबे ने भी आयरिश गेंदबाजों की खटिया खड़ी करते हुए ये लंबे लंबे छक्के कूद डाले। लेकिन उससे पहले गायकवाड़ ने आयरलैंड के गेंदबाजों की क्लास लगाई। गायकवाड़ ने पहले तो संभल कर बल्लेबाजी करी, लेकिन फिर आंख चमने के बाद उन्होंने ऋतु की तरह गियर बदला और तूफानी अर्थ तक थोक आयरिश गेंदबाजों पर राज किया। जबकि आज संजू सैमसन ने भी बहती गंगा में हाथ धोया और आयरिश गेंदबाजों को भिगा भिगा कर धोया। तो दोस्तों चलिए दिखाता हूँ इस हाई वोल्टेज मुकाबले का पूरा वीडियो। उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह को आने वाले एशिया कप में खिलाना चाहिए या नहीं, इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों भारत और आयरलैंड के बीच चल रहे 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया द विलेज स्टेडियम डबलिन में। भारतीय टीम पहला मुकाबला जीतकर इस सीरीज में 1-0 से आगे था। इस मुकाबले में भारतीय टीम को टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। एक बार फिर ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल ने भारतीय टीम को तेज शुरुआत करी, लेकिन यशस्वी जायसवाल एक बार फिर 11 गेंदों पर 18 रन बनाने के बाद शॉर्ट पिच गेंद पर आउट हो गए। वहीं पिछले मैच में गोल्डन डक पर आउट हुए तिलक वर्मा ने इस मुकाबले में भी मात्र 2 गेंद खेलकर 1 रन बनाकर चलते बने। 5वें ओवर तक 34 रन पर 2 विकेट गंवाकर भारतीय टीम मुश्किल में फंसती दिख रही थी। तभी यहीं से गायकवाड़ और संजू सैमसन ने भारतीय पारी को संभाल लिया और टीम के स्कोर को 100 के पार ले गए। संजू अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन हाय रे किस्मत, एक साधारण बॉल पर जोरदार हिट जड़ने के चक्कर में लगने के बाद स्टंप में घुस गई और सैमसन 26 गेंद पर 40 रन बनाकर आउट हो गए। अपना अर्धशतक लगाने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ भी 43 गेंदों पर 58 रन बनाने के बाद बैरी मखारती के शिकार हुए। इसके बाद दोस्तों यहीं से शुरू हुआ लॉर्ड रिंकू और शिवम दुबे का तूफान। आखिरी के 2 ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 42 रन कूट डाले। रिंकू सिंह 21 गेंदों में 38 रनों की एक तूफानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने 2 चौका तो वहीं 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर लॉर्ड रिंकू आउट हो गए, लेकिन उससे पहले वो लॉर्ड वाली पारी खेल गए। शिवम दुबे 16 गेंदों पर 22 रन बनाकर नाबाद रहे। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 185 रनों का एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। 186 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य को साधने के लिए बिल बिरने को छोड़कर कोई भी आयरिश बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का सामना नहीं कर पाई। तीसरे ओवर में ही जब आयरलैंड का स्कोर 19 रन था, तो वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने आयरिश कप्तान पॉल स्टर्लिंग और लॉर्कन टक्कर को पेवेलियन भेजकर आयरलैंड को जबरदस्त आघात पहुंचाया। आयरलैंड इस आघात से उबर नहीं पाई और 20 ओवर में 8 विकेट पर 152 रन ही बना पाई। और भारतीय टीम ने यह मुकाबला 33 रनों के बड़े अंतर से जीतकर इस सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। आयरलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा 72 रन बिल बिरने ने बनाए, तो वहीं मार्क अडेर 23 जबकि कर्टिस कैंपर ने 18 रनों का योगदान दिया। एक बार फिर भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी करी और 4 ओवर में मात्र 15 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा और अभि बिश्नोई को भी 2-2 विकेट मिला, जबकि हरदीप सिंह ने भी 1 विकेट लिए। अपने इंटरनेशनल कैरियर के पहली पारी में शानदार बैटिंग करने वाले लॉर्ड रिंकू को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा 23 अगस्त को। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।